Hi students uh, welcome back to super quick revision these uh, revision lectures are made so therefore you all can revise all your concepts and your problems in fastest possible time so this is life cycle costing small chapter whenever a products whenever a product gets introduced by a company in the beginning demand is a bit less it starts to become famous it reaches its peak stage and finally one day the company thinks now this product is no longer in demand let's stop the product so, if finally decides to stop the production, gives the orders to the factory. Let's not produce this product anymore. From the time we launched it till the time we stopped the production, that difference is going to be called as product life cycle. Now, this product life cycle is divided up into four stages. That is your introduction stage, growth stage, maturity stage, and finally, uh, finally the declining stage. Lekin in all four stages, se pehle, there is always one stage that many people ignore. That is nothing but the designing stage, all, uh, also called as research and development stage. डो रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट गेट लॉकडअप ड्यूरिंग द आर एनडी स्टेज फॉर द एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस चीज का मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा तो वो बोला था अगर आप लोगों ने कोई एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है जब आप लोग डिजाइनिंग कर रहे हो आप लोगों ने कुछ ना कुछ पार्ट्स वगैरह यूज किए हैं फ्यूचर के अंदर तुम लोग ये वाला चीज नहीं सोच सकते कि सर ये पार्ट्स बहुत कॉस्टली वो पड़ रहे हैं लेट्स चेंज देम नहीं क्योंकि प्रोडक्ट का डिजाइन इज बेस्ड अपॉन दैट

Now, हम लोगों ने वही वाला चीज से ये वाला चैप्टर जो है स्टार्ट किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ डिफरेंस इन टाइम बिटवीन अ कंपनी लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एंड कंपनी स्टॉपिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टेज सॉरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज अ डिजाइनिंग स्टेज मोस्ट ऑफ द कॉज गेट लॉकडप फॉर एवर ड्यूरिंग द डिजाइनिंग स्टेज सो इफ अ कंपनी सो अंपनी मज बी वेरी केयरफुल टू थिंक अबाउट द डिजाइन इट इज मेकिंग एंड इट्स कॉस्ट इंप्लीकेशन ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ओके नाउ वन थिंग जो आप लोगों को कमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं दैट हाउ डू डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स बिहेव ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो सबसे पहले डिमांड इन द इंट्रोडक्टरी इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑब्वियसली डिमांड लो होता है क्योंकि अभी अभी ही प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस किया है ग्रोथ स्टेज के अंदर इट स्टार्ट टू बिकम हाई ड्यूरिंग द मच्योरिटी स्टेज इज ऑब्वियसली द हाईस्ट बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट योर पीक स्टेज एंड टूवर्ड्स डिक्लाइनिंग स्टेज अगेन द डिड स्टार्ट भी गोइंग डाउन दिस इज ऑलमोस्ट वेयर बाई यिंकिंग लेट ऑफ द प्रोडक्शन नाउ यह हो गया डिमांड के बारे में बात आगे इन दिस केस तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे काम करता है अब ये जो सेलिंग प्राइस वाली वो जो स्टोरी है इफ यू लॉन्चिंग अ इनोवेटिव प्रोडक्ट अ क्लास प्रोडक्ट अ लग्जरी प्रोडक्ट ओके अ प्रोडक्ट जिसका निश्च मार्केट है जिसके क्लास कस्टमर्स होंगे एवरीबडी डज नॉट वॉन्ट और कैनॉट अफोर्ड दिस इट इज अ इनोवेशन ओके देन इन दैट पर्टिकुलर के शुरू शुरू में ऑब्वियसली यू लाइक टू की द प्राइस एज हाइएस्ट यू लाइक टू फॉलो स्कीमिंग पॉलिसी क्योंकि तुम्हारे कोई कॉम्पिटेटर्स नहीं है शायद तुम्हारे पास कोई पेटेंट वगैरह भी हो यू लाइक टू इन दिस केस गेट एज मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पॉसिबल टिल द टाइम कॉम्पिटेटर्स विल स्टार्ट टू एंटर ग्रोथ एंड मच्य स्टेज के अंदर ऑब्वियसली इन दिस केस हम लोग प्राइसेस थोड़ा सा देंगे वाई क्योंकि तब तक शायद कॉम्पिटिशन आना स्टार्ट हो जाएगा सो दे टू बी द कॉम्पिटन टू स्टॉप न्यू कॉम्पिटिशन फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट जब हम लोग ग्रोथ स्टेज के अंदर होंगे या मच्योरिटी स्टेज के अंदर होंगे तभी हमारे कॉम्पिटेटर्स जो है शायद वो इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर होंगे तम लोग अगर तब हम लोग अपना प्राइस कम कर देंगे तो ऑब्वियसली एट दट टाइम मेनी मेनी मनी पीपल और मनी कॉम्पिटेटर्स माइ नॉट इवन

शुरू में हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो हम लोग रॉ मटेरियल भी सप्लाई लोगों से कमी परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग अपने को डिस्काउंट्स वगैरह वो नहीं देंगे माय बार्गेनिंग पार एज अ परचेजर विल बी वेरी लेस तो ऑब्वियसली डिस्काउंट्स विल बी लेस फॉर मी सो दे माय कॉस्ट विल बी हायर लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता रहता है माई परचेजिंग स्टार्ट टू इंक्रीज एंड ऑब्वियसली आई विल एबल टू बार्गेन गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट्स तो मेरा यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट है कम होना स्टार्ट हो जाएगा डिक्लाइनिंग के स्टेज के अंदर ऑब्वियसली अगेन माई प्रोडक्शन विल बिकम लेस सो दे इन दिस पर्टिकुलर केस

फिर उसके बाद मच्योरिटी स्टेज के ना शायद और कम ना हो बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस द वर्कर्स वीच दैट परफेक्शन स्टेज आल्सो ओके तो इट इज सेम एज द ग्रोथ स्टेज मतलब जितना पर यूनिट वहां पर था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोथ स्टेज ऑलमोस्ट उतना ही यहां पे होगा और उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज के ना यूजुअली योर लेबर कॉस्ट विल अगेन स्टार्ट टू बी ग्रोइ विल अगेन स्टार्ट टू बी गोइंग अप क्योंकि ऑल यूर स्किल्ड वर्कर्स जो ये वाला प्रोडक्ट वो आ, बनाते थे माइट बी शिफ्टेड टू न्यू बेटर प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी तो यहां पे शायद अनस्किल्ड वर्कर्स ही आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा जो वर्क है विल बी डन बाय अनस्किल्ड वर्कर्स हु विल बी टेकिंग मोरा सो दे माई कॉस्ट विल बी राइसिंग आगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ये पर यूनिट के बारे में बात है तो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ना शायद अपना जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डिमांड कम है ग्रोथ और मच्योरिटी स्टेज के अंदर सबसे कम होगा क्योंकि अपना प्रोडक्शन जो है तो वो ज्यादा है और डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर इट विल अगेन स्टार्ट टू बी राइज इम प्रोडक्शन बी लेस ओके फिर उसके बाद वी ऑल एस स्टेड अवे विदेशन अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना अपना जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था दैट वॉज क्वेश्चन नंबर टू जो अपना क्वेश्चन नंबर टू था ना उसके अंदर बस अपने को एक ही काम करने का था वी वर अ कंपनी कॉल्ड एस स्पाइस मोबाइल्स हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था कॉल्ड एस कॉमन मोबाइल फोन ठीक है हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा वगैरह तो वो कमाया मार्केट का जो साइज था ना जब हम लोग वो एंटर हुए इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स पर मंथ तो पूरी मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इतना डिमांड uh, था अभी उन लोगों ने क्या लिखा था वेन वी विल टच अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस फिफ्टी परसेंट ऑफ दिसन थाउजेंड ठीक है तो अप्रॉक्सिमेटली जब टेन थाउजेंड हो जाएगा हम लोग ना अपना सेलिंग प्राइस वो बढ़ा देंगे तो सेलिंग प्राइस इन दिस पर्टिकुलर केस पहले इट सपोज टू बी वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट देन विल बिकम वन फिफ्टी परसेंट वॉज अ स्मॉल हेंड फॉर अस दैट कंपनी इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्टरी स्टेज टू ग्रोथ स्टेज ठीक है और उसके बाद मच्योरिटी स्टेज के बारे में एक लाइन था कि हम लोगों ने पूरी मच्योरिटी स्टेज के इतना प्रॉफिट कमाया एंड लास्टली यहां पर क्या हो गया था एक न्यू कॉम्पिटेटर टू कम

टी वन माइनस फिफ्टी टी वन स्क्वे टी वॉज टाइम इन मंथ दैट द प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस और जो क्यू वन दैट वॉज नथिंग बट डिमांड ये यूज करके वो देख लेना कि हम लोगों ने यहां पे हर मंथ का डिमांड निकाला था और डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर ये वाला जो इक्वेशन था डिमांड ऑफ माई कॉम्पिटिटर ओके तो जब ही कॉम्पिटिटर आया था मार्केट साइज बढ़ के ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो है तो वो हो गया था ठीक है तो उसका डिमांड अपने को दिया हुआ है तो आर डिमांड विल बी ट्वेंटी वन फाइव हंड्रेड माइनस उसका डिमांड और ये वाला जो डिमांड फंक्शन है ये कॉम्पिटिटर का डिमांड फंक्शन है हमारा डिमांड फंक्शन नहीं है ठीक है रेस्ट क्वेश्चन के ना ज्यादा कुछ नहीं था वो लेबर वाला मतलब लाइक यू नो वो काम ज्यादा था लेकिन क्वेश्चन सच क्वाइट सिंपल इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम टू कैटेगराइज The company into four stages. Okay, market size is twenty thousand. When company touches around ten thousand, the company increases price. It was a small hint for us that company shifting from intro to growth stage. Do note that equations give you demand per month. Apply that. The market size is twenty thousand units. Once to sell then stage will be जो मार्केट uh, का जो साइज है वो ट्वेंटी थाउजेंड उससे तुम बेच भी नहीं सकता ना यार इन दैट पर्टिकुलर केस योर मच्योरिटी स्टेज विल इन डिक्लाइनिंग स्टेज वी है डिमांड इक्वेशन ऑफ द कॉम्पिटेटर सो बैलेंस विल बी आर डिमांड तो अपने सेकेंड पैराग्राफ के अंदर कॉम्पिटेटर का डिमांड फंक्शन दिया हुआ बाकी जो है वो हमारा हो जाएगा ठीक है चलो यह था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तू। उसके बाद इन दिस केस हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट जो है वो कर दिया था जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थ्री था ना इन दिस केस ये आईसीए का ही वो एग्जाम क्वेश्चन है शायद मई 2018 एटीन का मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा इट्स अ मई एटीन का एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहां पे ना पूरा कोई एक स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ एक वो इंट्रोड्यूस वगैरह तो वो कर रहे हैं अभी टू लैख फोर्टी थाउजेंड इन दिस केस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूनिट एंड सोल्ड तो जब से इंट्रोड्यूस करेंगे और जब तक प्रोडक्शन स्टॉप करेंगे इतना यूनिट्स वो बेचेंगे यहां पे वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट वगैरह सब दिया हुआ है बस कॉस्ट ना इस क्वेश्चन के थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट था कॉस्ट विचार पर वॉच कॉस्ट विचार पर वॉच ठीक है उसके बाद कॉस्ट विचार पर बैच पर बैच ओके तो आपको ना बैच साइज की जरूरत थी अभी बैच साइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए इधर दिया हुआ था और मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के हेड के अंदर तो वो दिया हुआ था ओके तो यहां पे बैच साइज इज डिफरेंट फॉर दिस कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट और जो बैलेंस बच गया दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोगों ने टोटल सेल्स निकाला माइनस द टोटल कॉस्ट वगैरह किया फिर उसके बाद अपना यहां पर आंसर जो है वो आ गया था पार्ट वन वॉज वेरी सिंपल वी जस्ट हैड टू टू ट्राई फाइंड आउट लाइफ साइकिल इनकम ओके मतलब इस प्रोडक्ट से अपने को पूरी लाइफ के अंदर कितने का प्रॉफिट आएगा ठीक है तो वो वाला थिंग भी वाला डन

हाउ द कॉस्ट स्टार्ट टू गेट लॉकडअप ओके तो यहां पर कुछ ऐसा वो बोला गया था कि ना सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट विल बी लॉकडप ड्यूरिंग द आर एन टेज वट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजिंग द कॉस्ट वो लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा सेवेंटी फाइव परसेंट कॉस्ट ऐसा होगा जो डिजाइनिंग स्टेज के अंदर लॉकअप हो जाएगा मतलब फ्यूचर के अंदर चेंज नहीं हो सकता तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा ड्यूरिंग द डिजाइनिंग स्टेज हैव गुड कॉस्ट कंट्रोल इन्श्योर दैट विच एवर पार्ट्स यू आर ट्राइंग टू बी पुटिंग उनका आप लोग कॉज जो है लॉन्ग टर्म सोचो तो क्योंकि एक बार डिजाइन फाइनलाइज हो गया मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया शायद आप लोग ये वाला कॉज फ्यूचर के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाओगे विल बिकम अनकंट्रोलेबल फ्रॉम आर साइड सो ओनली पॉइंट इट इज कंट्रोलेबल इज नाउ दर इज अ डिजाइनिंग स्टेज ठीक है ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है थीके? फिर उसके बाद ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर था क्वेश्चन नंबर आई एम कॉलिंग क्वेश्चन स्टेज उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर था इन दिस केस दैट वॉज अ टू स्टार क्वेश्चन फ्रॉम आर साइड ये क्वेश्चन जो था वो सिंपल था uh, इतने यूनिट्स के अंदर सेलिंग प्राइस विल बी दिस इसके ऊपर लेकिन सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक इट वॉज सिक्स हंड्रेड फिर उसके बाद इतना, 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 इतना तो इतना इतना तो इतना तो यहाँ पे जैसे जैसे यूनिट्स आप लोग और बेचते रहते हो ना तुम तो लोग प्राइसेस धीरे 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 कम करते रहते हो पार्ट टू के अंदर वी आई टू तो ट्राई टू बी सेइंग कि अपना यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी क्या है अपना प्राइसिंग पॉलिसी विल बी स्कीमिंग पॉलिसी वी इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एट द हाइएस्ट प्राइस और धीरे 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 वी ऑल हैव रिड्यूस्ड इट ठीक है फिर उसके बाद यहां पर हर एक हफ्ते का यहाँ पे डिमांड वगैरह कितना था सो इफ यू ऑल विल सी इन बिगनिंग इट वॉज टू ट्वेंटी यूनिट्स पर वीक फॉर द फर्स्ट टेन वीक्स अगर मल्टीप्लाई आप लोगों ने किया था टू थाउजेंड टू हंड्रेड और नीचे लिखा हुआ है टू थाउजेंड टू हंड्रेड वॉज अ इंट्रोडक्शन स्टेज फिर उसके बाद इलेवन से लेकर थर्टियथ वीक इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो था तुम्हारा ये ग्रोथ स्टेज था इलेवन हंड्रेड वॉज लास्टिंग फ्रॉम थर्टी वन टू सेवेंटी ये तुम्हारा मच्योरिटी स्टेज ही होगा क्योंकि ऊपर अपने को ना यहां पे लिख के दिया हुआ था माई मैक्सिमम प्रोडक्शन कपैसिटी इज ओनली इलेवन हंड्रेड यूनिट्स पर वीक सो दे इन दिस केस दिस वॉज सपोज टू बी माई मच्योरिटी स्टेज और उसके बाद डिमांड स्टार्ट टू तो बी फॉलिंग दिस वॉज नथिंग बट माई डिक्लाइनिंग स्टेज ठीक है उसके बाद यहां पे जितने यूनिट्स बनाते रहोगे तुम्हारा जो कॉस्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा शुरू में इतना था कम हुआ कम हुआ कम हुआ और यहां पर वो बढ़ गया तुमको अभी क्या करने का था जैसे यहां पे इंट्रो और ग्रोथ स्टेज का टेबल बना के दिया हुआ है वैसे आपको यहां पर मेच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज का भी बना था और यहां पर कुछ काम नहीं करना था ठीक है तो उसके ना अपने को क्या बस सोचने का था देखो ग्रोथ स्टेज के अंदर भी ना उन लोगों ने अलग अलग कॉलम्स बनाए ओके उन लोगों ने फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एट टू फाइव जीरो को कंबाइन क्यों नहीं किया क्योंकि ना बीच में यहां पे सेलिंग प्राइस बदल गया था तो अगर सेलिंग प्राइस बदल जाए अलग कॉलम बनाओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाए अलग कॉलम बनाओ क्योंकि दोनों की वैसे माई कॉन्ट्रीब्यूशन चेंजिंग तो हम लोगों ने जब यहाँ पे मच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर किया ना तो मच्योरिटी स्टेज के अंदर अपना थर्टी टू फिफ्टी वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट था वो तुम लोग अगर वो वाला टेबल देखोगे ना तो 31 70 के अंदर ये वाला पार्ट भी, आता है और ये वाला भी आता है। लेकिन वेरिएबल फर्दर फॉल्स इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोगों ने मच्योरिटी स्टेज को दो पार्ट के डिवाइड किया था दिस पर्टिकुलर पार्ट वॉज डन ओके तो पार्ट वन के अंदर वी uh, अंदर

Uh, एक तो गुड्स बनाकर बेचोगे उसके बाद प्लांट का स्क्रैप वैल्यू प्लीज टेक इनटू अकाउंट प्लांट का कॉस्ट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट ठीक है और यहां पर ना इन दिस केस लिखा हुआ इग्नोर टाइम वैल्यू मनी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में मत बात करना अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर होता तो उसके बारे में बात कर लेते लेकिन यहां पर वो नहीं दिया हुआ ठीक है uh, रेस्ट इन दिस केस द क्वेश्चन बॉस सिंपल एक और चीज यहां पे जो पी वी रेशो है ना सिर्फ इस स्टेज पर फोर्टी परसेंट दिया हुआ है इस स्टेज पर अपने पी वी रेशो वो नहीं दिया हुआ वो कुछ और होगा तो यहां का डेटा यूज करके ना हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट है क्योंकि बाकी अपने पास है और वो जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आया ना दैट वी अप्लाइड ओवर हियर आल्सो क्योंकि यहां पर अपने को वो वाला कॉस्ट नहीं दिया हुआ दिस वाज द ओनली ट्रिकी पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी कवर अप वैसे तो कर लिया था ठीक है चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फाइव था इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन बट आई इट डू इट आफ्टर क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज अ बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम फाइव हंड्रेड यूनिट्स एंड देन अप्लाई दैट टू सेवन फिफ्टी ठीक है इन इट इज आस्ट और नॉट you can always say that selling more units in this case will give you better market share and brand value maine question number 11 ke andar to wo bol bhi diya tha whenever you have to try to conclude no jab bhi wo log ne bola hua hai advise karo advise karo to please try to advise from all the angles okay अगर suppose साढ़े सात सौ पर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वैसे भी हम लोग साढ़े सात सौ ही बोलने वाले हैं लेकिन इफ सपोज अ प्रॉफिट इज लेस बाय

एंड योर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग तो अपने को यहाँ पे ना पांच हजार यूनिट वो बनाने वाले थे बाकी सब कुछ बहुत सिंपल था तो अपने को पांच हजार यू, आ, यूनिट्स के लिए ना आर्स भी निकालने का था लेकिन यहाँ पे ना हंड्रेड यूनिट्स वॉर सपोज टू बी वन बैच. ओके सो हंड्रेड यूनिट्स वॉर सपोज टू तो बी वन बैच हंड्रेड so, यूनिट्स वॉर सपोज टू बी वन बैच सो फाइव थाउजेंड यूनिट फिफ्टी बैचेस लेकिन लर्निंग कर्व विल स्टॉप आफ्टर ट्वेंटी फाइव बैचेस तो जितना टाइम ट्वेंटी फिफ्थ बैच के लिए लगता है ना उतना ही टाइम यहाँ पे आगे जाके हर एक बैच के लिए भी लगेगा तो मैं ना यहाँ पे फिफ्टी बैचेस का आर्स इकट्ठा निकाल नहीं सकता तो फिर मैंने क्या किया था फर्स्ट ट्वेंटी फाइव बैचेस का आप लोग आर्स निकाल लो लर्निंग कर्व के प्रिंसिपल्स के थ्रू और उसके बाद लास्ट 25 फाइव बैचेस का आर्स निकाल लेना फर्स्ट 25 फाइव बैच का आर्स निकालने के लिए तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सेप्ट यहाँ पे कभी ना कभी लॉक 25 भी आएगा लेकिन लॉक 25 अपने पास नहीं था सो so, 25 इज नथिंग बट दैट यू ऑल आर अवेयर फिर उसके बाद फर्स्ट 25 फाइव बैचेस के लिए लॉक टेबल्स मतलब अपना जो फॉर्मुला वगैरह है वो सब कुछ यूज वो कर ही लेना फिर उसके बाद लास्ट 25 के लिए तुमको क्या चाहिए ट्वेंटी फिफ्थ बच के लिए कितना आर्स लगता है ट्वेंटी फिफ्थ बैच के लिए लेकिन लर्निंग कर्व के लिए डायरेक्टली एक बैच का आर्स नहीं निकलता

100 units is one batch, so we have to find out Rs for 50 batches. Learning curve will end on 25 batches. So Rs that will be taken for 25th batch. Same time will be taken for remaining 25 batches. Hence, Rs for 5000 units will be Rs for first 25 batches plus Rs for last 25 batches. Or Rs for tw first 25 batches to it plus Rs for 25th batch minus eight minutes.

ये वाला काम अपना जो है वो हो गया था फिर उसके बाद इन दिस केस क्वेश्चन नंबर टेन अभी ये वाला जो क्वेश्चन है दिस दिस वाज अ गुड क्वेश्चन अभी ये वाला जो क्वेश्चन था ना इन दिस पर्टिकुलर केस वाज इसको मैंने थ्री स्टार क्वेश्चन का आंसर दिया अभी इसके ना कंपनी हैड टू बी डिसाइडिंग कि ना ऑटोमेटिक अब देंगे वो बेकरी कंपनी है कि ऑटोमेटिक अब देंगे कि सेमी ऑटोमेटिक लेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर <coughs> अपने को दिया हुआ था ऑफ ट्वेल्व ठीक है

उटर out एक सो दट वी रिमूव फर्स्ट फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस जो सैलबेज वैल्यू था तो वो भी आ जाएगा वो करके वेर एवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटलोज वर लोअर दैट वॉज बेटर वो कुछ सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आया था ठीक है जो अमन था लेकिन उसके बाद ना वी ऑल डिड द अदर पार्ट दैट एज पर मी वॉज फार 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 इंपॉर्टेंट दैट देर आर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स तुम लोग केक्स और कुकीज बनाते हो दोनों ओवन से देखो प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो कैसा आता है ओके okay, टेस्ट विल मैटर उसके बाद मैन पावर यू विल रिक्वायर वर्कर्स ऑल्सो ओके और समकिरण आपने वो कितना किधर लिख के दिया हुआ है कि वर्कर्स लोग की बहुत कमी है हमारे बिजनेस के ना बिकॉज वी रिक्वायर स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स तो परचेजिंग ऑटोमैटिक अवन माइट बी स्लाइटली बेटर क्योंकि ऑटोमैटिक अवन uh, के अंदर तुमको वर्कर्स की कम जरूरत पड़ेगी स्पेस सम के ने लिख के रखा है बोथ द अवस विल बी टेकिंग द सेम स्पेस लेकिन याद रखना स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अवन ऑल्सो विच विल बी सेम बट देन स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर्स टू मूव ऑल्सो सो ऑटोमैटिक अवन माइट बेटर चॉइस इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज इन दिस केस यू विल रिक्वायर लेसर नंबर ऑफ वर्कर्स उसके बाद पार कंजम्पशन एंड अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली ऑटोमैटिक अवन विल बी रिक्वायरिंग मोर पॉवर एंड मोर कंटिन्यूस पार इट्स नॉट एट सेमी ऑटोमैटिक विल नॉट रिक्वाय लेकिन अगर सेम सेमी ऑटोमैटिक के अंदर सम प्रोसीजर इज डन बाय द अवन एंड सम प्रोसीजर इज डन बाय द पीपल ओके तो अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं है देन इन दैट केस दैट वो जो बाकी एक्टिविटीज हैं कैन बी डन बाय द पीपल आल्सो लेकिन ऑटोमैटिक अवन अगर होएगा तो अगर पावर की कमी होएगी फिर तो मैनी बच जाएगी आगे कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स आर मोर कस्टमाइजेबल व्हेन दे आर ह्यूमन अटेंडेड ओके नॉट ऑटोमेटिक ओके सो दे दिस पॉइंट विल बी गोइंग इन द फेवर ऑफ दैट सेमी ऑटो अगर सपोज कोई एक कस्टमर बोलता है मेरे को ऐसा केक चाहिए अभी ऑटोमेटिक अवंस के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है यू फीड इन द मटीरियल एंड डायरेक्टली द केक कम्स आउट वहां पे शायद हम लोग कुछ वराइटी वगैरह नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटिक होएगा वर्कर्स का इंटरवेंशन कैन चेंज द प्रोडक्ट ऑल्सो स्पीड ऑब्वियसली इन केस ऑफ दी ऑटोमैटिक अवन स्पीड विल बी फार फास्टर सो दे फिर वहाँ पर रश वगैरह भी कम होएगा क्योंकि द कस्टमर्स विल बी सर्व फास्टर एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑल्सो दैट वॉज देयर कि एक स्पेस का दिक्कत था बहुत सारे कस्टमर्स इसलिए चले जाते थे क्योंकि उनको इतना भीड़ भाड़ वगैरह वो नहीं चाहिए था सो द ऑटोमैटिक अवन माइड बी बेटर डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट अगर ऑटोमेटिक अवन होएगा ना तो ऑनेस्टली जब तक प्रोडक्ट बाहर नहीं आता आपको डिफेक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा इन केस ऑफ सेमी ऑटोमेटिक देर आर वेरियस स्टेजेस तो हर स्टेज के बाद अगर वो डिफेक्ट है देन इन दैट केस यू कैन ईदर थ्रो द प्रोडक्ट एट द इंटरमीडिएट स्टेज होनी तो तुम्हारे लॉसेज कम होंगे और यू कैन रेक्टिफाई द डिफेक्ट जो ऑटोमेटिक के अंदर शायद ना हो पाए ओके दिस कमेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर वो इलेवन था दिस वाज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका वी ऑल हैड गिवन द रेफरेंस ये एक्जैक्टली exactly वही वाला चीज था जैसा हम लोगों ने वो पहले बोला वी आर टू बी डिसाइडिंग एट वट लेवल टू ऑपरेट 600 हंड्रेड यूनिट्स के नाइन नाइन हंड्रेड यूनिट्स वी विल बी गोइंग वेर एवर आर इनकम विल बी हायर मतलब प्रॉफिट विल बी हायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वॉज टू ईयर्स यहां पे भी लिखा हुआ था इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडियर फॉर वी ऑल एट इग्नोर डिट ओके तो हम लोगों ने यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया फिर उसके बाद यहां पे एक सैलवेज वैल्यू लिया और एक कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लिया ओके okay. उसके बाद नेट इनफ्लो जिधर ज्यादा आया दैट वॉज बेटर ओके आईसीए ने एक, एक इसका अजीब आंसर भी दिया जो

It is given to ignore time value of money. we not discounting factors. We had to find net inflows from product life cycle under two cases. That is, operate the plant at 600 units or 900. We find the profit in the two cases or net inflows. Whatever you It is an easy problem. I say I have given two answers. I have discussed that. I have discussed the most obvious answer and also I have discussed the alternate answer. Variable S and D are irrelevant as per

That is uh, CA final underscore agent X. The lectures also first come over there only. I'll see you all next time. Bye.